हाँ जो भी है बोलो। कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है वकार। तुम्हें क्या हुआ, इतना चीख क्यों रही हो? क्या फर्क पड़ता है? जानते हो, आज ऑफिस वर्कर्स ने मामू जान पर घेराव कर दिया था। वो 6 महीने की सैलरी डिमांड कर रहे थे। मामू जान बेहोश हो गए, शायद उन्हें अटैक आया है। कहाँ है वो? उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूं। ओके। अब कैसी तबीयत है बाबा की? वो अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। हमदान, तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया? जुबिन है, तुमसे रابطہ नहीं हो पा रहा था, इन्होंने मुझे फोन करेगा कि मैं आ जाऊं, कहीं कुछ जरूरत ना पड़ जाए। थैंक यू, तुमने अच्छा किया कि हमदान को बुला लिया। हाँ, तुमसे रابطہ नहीं हो पा रहा था, सोचा फोन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमदान को कॉल कर ली। मैं जरा डॉक्टर से मिलके आता। शुक्र करें वक्त पर यहाँ पहुंचा दिया, माइनर अटैक था। आपको पता है, ऑफिस के वर्कर्स ने मामू जान पर हमला किया था, 6 महीने की सैलरीज मांग रहे थे। और भी बहुत सारे मामले आते हैं, मगर आपको तो अपना घर प्यारा है। खैर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, नहीं तो आपको तो मेरी हर बात बुरी लग जाती है। वकार, तुम हॉस्पिटल के अखराजात और इलाज की फिक्र मत करो, मैं जाके अदायगी करके आता हूँ। और कितने एहसान करोगे मुझे? पता नहीं मैं कभी तुमसे सर उठा के बात कर सकूंगा कि नहीं। अरे वकार, दोस्तों में ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है? तो आंटी को संभालो, मैं आता हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। आप पियेंगे? कॉफी फॉर यू। थैंक यू। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मामा, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तुम घर बेच सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, ठीक है? प्लीज। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। हमदान, देखो मुझे पता है कि तुम वकार के अच्छे दोस्त हो, हमेशा उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हो, मगर दोस्ती का असल मतलब जानते हो? चले आप ही बता दें कि दोस्ती का असल मतलब क्या होता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्त को उसके पैरों पे खड़े होने में मदद करो, और ये मदद इस तरह हो सकती है कि वो मुश्किल वक्त का खुद मुकाबला कर सके और अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। देखो, माली मदद तो मैं कर सकती हूँ, बल्कि मैं करूंगी भी, मगर तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मगर इतनी बड़ी रकम वो कैसे कर पाएगा? उसकी फिक्र मत करो, वो इस मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, और मुमकिन है वो अपना घर तक बेच दे। लेकिन 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 वो घर मैं ही खरीदूंगी, और इस तरह उसके हाथ से घर भी नहीं जाएगा, वो अपना हौसला भी नहीं हारेगा। सो प्लीज, मेरे वकार को मजबूत करने में मेरा साथ दो। Excuse me.